अब सबसे पहले हम इस पीस को तोड़ के देखते हैं। जो अच्छे अच्छे पीस थे मैंने प्लेट में सजा के रखे हैं। एक टेढ़ा मेढ़ा पीस मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये बढ़िया बना है काजू कतली। इसमें क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं और इसे एकदम फास्ट बनाने का मेरा तरीका क्या है, ये मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। एकदम श्योर हो जाइए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी बनेगी काजू कतली। बस कुछ चीज़ों का और कुछ टिप्स का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो इसमें बिगड़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। काजू कतली को मैंने मेरे हिसाब से सजा दिया है। वैसे चांदी का वर्क मुझे नहीं मिला था तो बस मैंने कुछ काजू और दूसरी प्लेट में रखा है, कुछ ऐसे फूल वगैरह के साथ भी आप इसे सजा सकते हो। अब इसे ठीक से बनाने के लिए मेजरमेंट सही से होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लेंगे काजू 1 कप। इसकी जगह आप टुकड़े वाले काजू भी ले सकते हो, मार्केट में मिलते हैं और इससे वो सस्ते भी मिल जाएंगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वो भी आपको 1 ही कप लेने हैं। चीनी मैंने ली है 1/2 कप या 1/2 कटोरी बोल सकते हो आप इसे। जितना काजू लेंगे उसका 1/2 आपको चीनी लेना है। ये है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हम जो हमारे खाने वाले चम्मच होते हैं वो भर के 4 चम्मच लेंगे। और हमें चाहिए होगा पानी। तो पानी कितना लगेगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी यूज़ करना है। अब हमारा सबसे पहला काम है काजू को मिक्सी जार के अंदर लेके इसे पीसना। तो पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आखिर इसे किस तरह से पीसती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है। आप कह सकते हो कि अरे रे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने सारा गीला सा बना दिया। अब क्या इसकी काजू कतली बनेगी या नहीं बनेगी? ज़रूर बनेगी। कैसे? देखिए। तो अब हमारा दूसरा काम है शुगर सिरप या चाशनी बनाना। तो ये देखिए मैंने बराबर 1/2 कप चीनी लिया है। डाल देंगे पैन के अंदर चीनी को। अब देखिए मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, बिल्कुल जितना चीनी लिया था ना उसके भी 1/2, या इतना पानी डालना है कि चीनी बस पानी में डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसका चाशनी या शुगर सिरप बनने में काफ़ी समय जाएगा। तो अब हमें इसे अच्छी तरह से पिघला लेना है। यहाँ पे चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। अब आप फ्लेम को बढ़ा सकते हो, तो फ्लेम को हाई पर कर दीजिए और हमें इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे हाई फ्लेम के ऊपर मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है। ये पका है या नहीं इसे चेक करने के लिए पैन के साइड में आप शुगर चिपकी हुई नज़र आ रही होगी आपको, तो ये एक इंडिकेशन है कि चाशनी जो है वो पक चुकी है। या फिर इस तरह से बूंद गिरा के देखें, अगर ये बूंदें रुक रुक के गिर रही है तब भी आप समझ जाओगे कि ये एकदम रेडी है। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा हाथ में लेके दोनों उंगलियों में एक तार बना के देखें। मतलब हमें इसकी 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है। तार बननी चाहिए लेकिन एकदम कमज़ोर सी। ये देखिए मैं बना रही हूँ, तार तो बन रही है लेकिन एकदम कमज़ोर सी है। तो बस उसी स्टेज तक हम इसे पकाएंगे, मतलब समझ जाइएगा कि एकदम सही है। अब इस चाशनी के अंदर हम ये मिला देंगे काजू का मिक्सचर। तो फ्रेंड्स, ये मिक्सचर कैसे, ये गीला गीला सा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मिक्सी को एकदम तेज़ी से घुमाया और ये गीला सा बन गया, क्योंकि काजू ने अपना फैट छोड़ दिया मिक्सी के अंदर। गर्म हो जाता है मिक्सी तो उसकी वजह से फैट रिलीज हो गया और ये मिक्सचर गीला सा बन गया। तो फ्रेंड्स, जब भी कहा जाता है कि काजू को अगर पीसना है मिक्सी के अंदर तो मिक्सी को थोड़ा चलाना है, बंद करना है, फिर से चलाना है, बंद करना है, ऐसे फिर आप उसका पाउडर बना पाओगे। फिर उस पाउडर को छानना पड़ता है तो इसमें काफ़ी टाइम जाता था। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, पाउडर बनाती थी फिर उसे छानती थी। अब मैंने वैसा करना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। मैं सीधा से इसका गोला सा बना लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ शुगर सिरप के अंदर। अब आप देखिए ये एकदम लिक्विड सा हो गया। फिर चाहे आप इसका गोला बना के डालिए या फिर पाउडर डालिए, बात तो एक ही होने वाली है। इसलिए मैंने अभी मतलब छोड़ ही दिया है। तो आप इसके अंदर आपको डालनी है ये मिल्क पाउडर 4 चम्मच भर के हैं। ये 2 मैंने डाल दिए, ये 3रा और ये 4था। तो ये 4 चम्मच हमने मिल्क पाउडर यहाँ पे डालनी है। मिल्क पाउडर से होगा ये स्वीटनेस का तो काम करती ही है लेकिन इस मिक्सचर को बाइंड करने का भी काम करेगी। हमें इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पका लेना है। फ्लेम एकदम मीडियम रहेगा वरना ये चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मेरा तरीका बताया है आप लोगों को। मतलब मैं पाउडर वगैरह नहीं करती हूँ, छानती वगैरह नहीं हूँ। वैसे अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मेरा ये तरीका अच्छा नहीं लगता है, तो आप छान के जैसा बनाते आए हो वैसा ही बना सकते हो। ये आप देखो, आपको इसे अच्छी तरह से मिलाना है, मिलाते रहना है, चलाते रहना है। ये थोड़ी देर में अपने आप से इसका एक गोला सा बनने लग जाएगा। पैन की साइड्स को ये छोड़ने लगता है इस प्रकार और एक जगह आके इकट्ठा होने लगता है। तब तक हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। एकदम अच्छी तरह से ये गोला हमारा बन चुका है। अगर हाथ से छुएंगे तो ये हाथ को भी चिपकता नहीं है, इतना ये परफेक्ट है। जब तक इस तरह का टेक्सचर इसके अंदर नहीं आ जाता तब तक आपने इसे चलाते रहना है। अब आपको बस इसे क्या करना है, इसे मसलना है। तो मसलने के लिए आप एक, मैंने इसे प्लास्टिक का सीट लिया है। इस सीट के ऊपर आपको इसे बस मसल मसल के एकदम चिकना बनाना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत गांठें अगर होंगी तो वह एकदम चिकनी हो जाएंगी और ये एकदम आटे की तरह दिखने लग जाएगा। तो आपको इसे बिल्कुल चिकना होने तक मसलना है। तो 5 या 7 मिनट भी लग सकते हैं आपको।
अब देखिए फ्रेंड्स, इस डो को मैं इस तरह से कर रही हूँ, मैं इसे हाथ से छू रही हूँ, ये देखिए जरा सा भी हाथों में चिपकता नहीं है, इतना परफेक्ट बना है। ऐसा अगर डो आप बना लेते हो ना, तो बिल्कुल श्योर हो जाना कि जो काजू कतली इससे बनेगी ना, वो एकदम बढ़िया बनेगी। बस डो को, मतलब डो अभी गर्म है, आपको गर्म गर्म डो के साथ ही ये सारा काम करना है, डो को ठंडा नहीं होने देना है। ठंडा कर लेंगे इसको तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। बस अब हम इसके ऊपर ये शीट लगा देंगे, प्लास्टिक का शीट आप कोई भी ले सकते हो, घर में तो प्लास्टिक होता ही है, बस थोड़ा सा मोटा हो प्लास्टिक, बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे, थोड़ा सा चौकोर में आपको इसे बेल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है, एक थिकनेस में बेलने की कोशिश कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो भी मिठाइयाँ होती हैं जो चाशनी के साथ बनती हैं, उसका बिगड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है, मतलब अगर आपने चाशनी ठीक से नहीं बनाई हो तो ही मिठाई जो है वो बिगड़ती है, मतलब एक तो हार्ड हो जाएगी, एक तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, या फिर कभी कभार तो अच्छी भी बन जाती हैं। तो ये सब कुछ चाशनी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर चाहे आप किसी चीज़ को पीसो या ना पीसो, गीला पीसो, सूखा पीसो, ये कोई टेंशन नहीं है, चाशनी को ठीक से बनाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अब आपको ये प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे ठंडा होने के लिए रखना है, अभी भी ये बहुत गर्म है। ये जब मतलब ठंडा हो जाएगा, हम इसे फिर काटेंगे, ये और थोड़ा सा सेट होके हल्का सा हार्ड हो जाता है, मतलब काटने लायक, तो फिर हम इसे काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। इसे ठंडा करने के लिए आप इसे फ्रिज के अंदर नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आपने इसे फ्रिज के अंदर रख दिया तो इसके अंदर का मतलब फैट जो होता है वो जम जाएगा। इसके पीसेस तो बन जाएंगे अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आपने इसे बाहर रखा काटने के बाद, तो ये फिर से गीला गीला बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसे उठा के दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ये कतली बन के तैयार हुई है। ये देखिए, सारे पीसेस को मैंने काट लिया है टेढ़े मेढ़े से, ये और अच्छे अच्छे पीस निकले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े निकले हैं नीचे वाले, तो इसी में से एक हिस्सा मैं आपको तोड़ के दिखा दूंगी। ये देखिए, आप ठीक से देखिए कैसे टूट रहा है, एकदम नरम है ये। तो फ्रेंड्स, आप इस कतली की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया कतली आप बना लोगे। इससे जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में होंगे, कोई भी डाउट होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आपके सवाल का तुरंत ही जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।